प्यार की इन राहों में जाने जा, खो गए एहसन हम कहां। तुमसे मंजिलों के निशान, तुम जहां हो मैं वहां। इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन इन किया है, बहुत ही खूबसूरत जो गिटार बजा रहे थे, मेरे ख्याल में उनका तारुफ कराना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद है सबाहत हुसैन साहब, और इनके एजाज पे ये बात जाती है फारूक के, ये मुजाहिद हुसैन साहब जो लेजेंडरी नेम म्यूजिक डायरेक्टर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनको मिल चुका है मेरे ख्याल में इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, उनके बेटे उनके साहबजादे इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सबाहत, आपने भी बड़ा अच्छा गिटार बजाया, तो थोड़ी ट्रेनिंग मुझे भी दे देना, मैं नहीं बजा सकती। तुम किन किस चीज की ट्रेनिंग लोगे, मतलब तुम एक चीज सीख लो है सदस, मतलब यू गए और यू आए जो है ना उस पे गौर करो। अच्छा हसन मुझे ये बताओ कि ये जो कॉम्पोजिशंस हैं या ये जो लिरिक्स हैं, ये किस तरह से आप लोग क्या इकट्ठे बैठते हो कि अच्छा यार आज हमने एक गाना बनाना है, या मतलब किसी को एक ट्यून आ गई रात को बैठे हुए बर्गर खाते हुए तो आप बोले क्या करते हो? बिल्कुल, हर गाने की हमारी डिफरेंट स्टोरी है। अब हम इसमें बैठ के नहीं कह सकते कि आज हम बैठ के गाना बनाएंगे, आज गाना बनाना, आज हमने कोई काम नहीं, आज हम सैड सॉन्ग बनाएंगे, आज हम हैप्पी सॉन्ग बनाएंगे। छह कॉम्पोजिशन हमारे 11 गाने एल्बम में, छह मुजाहिद हुसैन साहब की, तीन मेरी हैं जो बिल्कुल ही कभी नींद में हैं सोते हुए, अभी हमने गाया था सॉरी टू कट यू, ये भी हसन की कॉम्पोजिशन थी। वंडरफुल। और दो कॉम्पोजिशन जो हैं उजला काजल और एक और गाना वो शाजर फखर दो भाई उनकी है। अच्छा कवि साहब एक मैं आपसे आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि अभी नई जनरेशन की हमने बात की, वी सी जारा हसन म्यूजिक की तो हो गई, अभी जो न्यू कमर्स हैं खासतौर पर टीवी के अंदर जो आ रहे हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं उनकी परफॉर्मेंस से, आया कि वो प्रोफेशनलिज्म नजर आता है जिस तरह आपके जमाने में लोगों में आता था? नहीं नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए एक तो मैं ऑलवेज एक पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूँ, सोच में मुस्बत रखता हूँ, मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जो किसी को डिस्करेज करे, या जितने भी टैलेंट अब आए हैं अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँ कि ये अच्छे नहीं वो भी गलत होगा। ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई जरा दरमियाना काम करता है, कोई सीख रहा होता है, प्रोसेस में होता है। लेकिन इस वक्त आपके टेलीविजन पर इस कदर अच्छे आर्टिस्ट हैं, इस कदर अच्छे डायरेक्टर्स हैं, इस कदर अच्छे राइटर्स हैं, आप खुद देख लीजिए कि इस वक्त आपके जो चैनल्स हैं पाकिस्तान में उनकी जो मेरा शोभा जो है उससे ड्रामे से ताल्लुक है तो आउट क्लास। ज़ारा हसन आप मुझे ये बताओ कि आपके जहन में जिस तरह ऑब्वियसली बाकी सिंगर्स भी हैं आप देखते हो, अभी एट प्रेजेंट आप क्या समझते हो, नाजिया भी हो गए जुहैब भी हो गए, एट प्रेजेंट व्हाट डू यू थिंक आपको कौन सिंगर्स इंस्पायर ज्यादा करते हैं, डिफरेंस क्या है, मतलब कि आप बहुत से सिंगर्स आ रहे हैं आजकल तो हर दूसरा बंदा सिंगर है, हाउ विल यू मेक योर, आप में क्या डिफरेंट चीज है और एक इंस्पायर अभी इस वक्त कौन कर रहा है? अच्छा इस टाइम पे तो काफी हैं आर्टिस्ट, a lot of people are doing a lot of good work, especially हमारी age group के भी। आप music channels browse कर रहे हैं तो बहुत अच्छे-अच्छे गाने आ रहे हैं। Specifically आतिफ असलम, अली जफर, बहुत अच्छे-अच्छे गाने उन लोगों ने गाए हैं जो मेरे लिए specially being male voices में। और जहाँ तक mark बनाने का सवाल है, वो ये है कि अभी presentation तो अच्छी होनी चाहिए, but सुर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वॉइस। लेकिन मेरे ख्याल में आपका यूएसपी जो है ना वो ये है कि आप दोनों, एक इतना बड़ा गैप आया नाजिया जुहैब के बाद, लोग बड़ा पसंद करते थे उस जोड़ी को, और उसके बाद कोई बहन भाई की जोड़ी नहीं आई, और अब आपने आके ये एक जो सिलसिला शुरू किया है, मेरी दुआएं और प्रेयर्स आपके साथ हैं। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, वी शुड डेफिनेटली प्रमोट यंगस्टर्स लाइक हसन एंड ज़ारा जो इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने पैशन में डूब के ये कॉम्पोजिशन भी बनाते हैं और गाते हैं, और आवाज भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, वी शुड डेफिनेटली प्रमोट दैट। बिल्कुल सही। जाने से पहले कुछ आप कहना चाहेंगे, मोर देन वेलकम, नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज?
यही मैसेज है कि बस जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे चलिए और मस्बत सोच रखिए किसी के लिए, और मेरी दुआ है इन दोनों के लिए कि ये बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच। सीक्रेट ऑफ सक्सेस कवि साहब का ये कि बेगम से लड़ते बेगम से लड़ते रहते बिल्कुल सही। सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, उसके लिए आपको पहले शादी करनी पड़ेगी फिर बेगम से लड़ने की नौबत आएगी, ऐसे नहीं तुमने शुरू कर दिया। अच्छा जी हसन और ज़हरा आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको बहुत से लोग इस तक देख रहे होंगे, व्हाट आर योर प्लान्स एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग? एडिंग ऑन टू व्हाट कवि साहब सेड, पॉजिटिव थिंकिंग इज द की टू सक्सेस, एंड एज फार एज आवर सेल्व्स आर कंसर्न्ड वी वुड जस्ट वांट एवरीबॉडी टू सपोर्ट अस एंड सपोर्ट न्यू टैलेंट इन पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, बहुत सारे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं और अब तो चैनल्स भी बहुत आ गए हैं, सो वी वांट पीपल जो सपोर्ट कर सकें टू कम अप एंड हेल्प अस। बिल्कुल, हम लोगों ने वापस आके म्यूजिक को पर्सू किया है बिकॉज ये हमारा पैशन था, तो प्लीज लोग भी जो करना चाहता है उसको करें और बाकी सब हेल्प करें। अच्छा जी हसन का और ज़हरा आपका भी बहुत शुक्रिया, सबाहत का खास तौर पे बहुत शुक्रिया, वाले साहब का बड़ा नाम है एंड हम वी आर प्राउड दैट ही इज अ पाकिस्तानी। ब्रेक ले लें, इस तरह जाने और इस तरह वापस आना है, स्टे ट्यून्ड कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जब से तू मुझे है मिल गया दुनिया से हमको लेना क्या, टूटे ना कभी ये सिलसिला है दो दिलों की दुआ हो, तू चंदा है मेरी रातों में इन तारों की बारातों में, तू चंदा है मेरी रातों में इन तारों की बारातों में, ना जादू 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 जादू।